Hey guys, welcome back to the channel again. आज है किस तारीख बेटा 8 और कल तो हम लोग का पूरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा दिन, लेकिन आज अच्छा वेदर है बाहर में। और अभी मैं सो के उठ चुका था 7 बजे और अब बाहर बस हम लोग को चलना है। सब लोग रेडी हो जाते हैं तो निकलेंगे और वापस मैं निलोरमी होम स्टे से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कल रात को मैं यहीं पे चला आया था सोने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग में, तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो ये हमारा नाश्ता है, सेव और केला खाते हैं। तो चलते हैं रूम के बाहर और रूम के बाहर का व्यू दिखाते हैं और किस तरह का बाहर में व्यू है वो दिखाते हैं आप लोगों को। और बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है, पूरा धूप निकल चुका है, आज बहुत अच्छा वेदर है, सामने पूरा धूप पड़ रहा है। तो बाकी मैं रूम के बारे में सारा डिटेल्स बताता हूँ, यहाँ कैसे रुका हूँ और क्या चार्ज वगैरह लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इस रूम का चार्ज 300 पर डे का है और रूम काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल सा है, ठीक ठाक है। और यहाँ से बीच भी बहुत नज़दीक है, 200-300 मीटर है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन भी है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं घूमने के लिए, पूरा पूरी एक्सप्लोर करेंगे आज पूरी फैमिली के साथ। हम लोग निकलेंगे, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और चलते हैं बाहर घूमने के लिए। लेट्स गो। सभी लोग रेडी हो गया, तो बाहर निकलते हैं इस होम स्टे से, इस गेट से। टाइम काफ़ी लेट हो गया है, 9:45 में हम लोग निकल रहे हैं। बाहर का माहौल कुछ ऐसा है पूरा, मैं और उत्कर्ष दोनों वाइफ का रहते हैं। सन लाइट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वाइट पहनना ज़्यादा बेहतर था क्योंकि धूप लगता तो गर्मी भी लगने लगती थी और कल था तो बारिश भी हो रहा था। तो अभी हम लोग बीच पहुंच चुके हैं, रूम से जस्ट नज़दीक में ही पड़ता है, तो नज़दीक होने का यही फायदा है, रूम से निकलो और बीच पे बस 2 मिनट में पहुँच जाओ। ये सामने बीच है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से टोटो भाड़ा करते हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग दूर है। वो मंदिर पहुँच चुके हैं, तो अभी चलते हैं पैदल यहाँ से मंदिर, और भगवान जगन्नाथ का मंदिर दिखने लगा है यहीं से। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लो, ये सामने भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जय जगन्नाथ। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अद्भुत लग रहा है, देख के दिल खुश हो गया। सुनने में आया था ओडिशा गवर्नमेंट डेवलप कर रही है जगन्नाथ कॉरिडोर यहाँ पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी तर्ज पे, उसी की तरह। और ये यहाँ के डेवलपमेंट को देखने से लग भी रहा है। तो भाई एक बार जब जगन्नाथ कॉरिडोर डेवलप हो जाएगा तो यहाँ की आसपास की सुंदरता देखते ही बनेगी। तो चलते हैं मंदिर में, एंटर करते हैं। तो ये मैं मंदिर के पिछले भाग में हूँ, काफ़ी मस्त सुंदर दृश्य देखने को लग रहा है। ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है और इधर पैदल घूमने के लिए बनाया गया है, खाली खाली जगह है, पूरा गार्डन वगैरह कि देख सकते हो। सामने मंदिर का ऊपर ध्वज लहरा रहा है और वो ऊपर में बंदर वगैरह भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आपको इसी तरह का पूरा खुला खुला एरिया दिखेगा और गार्डन वगैरह, और मंदिर में बंदर वगैरह हर जगह पे दिख जाएगा आपको। तो भाई ये मंदिर का परिसर ही इतना बड़ा है कि इसमें घूमते घूमते आप पक जाओगे। अभी मैं पिछले वाले हिस्से से आ रहा हूँ मंदिर के, लगभग 10 मिनट से पैदल घूम रहा हूँ। चलते हैं आगे से, एंट्री हो रही है, आगे चल के देखते हैं। और ये सामने से दृश्य आप देख सकते हैं मंदिर की, ये मंदिर का सामने का हिस्सा है। तो अभी
ये एक पंडित जी आए, वो बोल रहे थे कि भैया बिना लाइन के जाओगे, और वो चार्ज बता रहे थे अपना कि 150 पर हेड लगे आपको बिना लाइन के जाने के लिए अंदर में। तो ऐसा भी चलता है यहाँ पे, आप डायरेक्ट एंट्री भगवान से दर्शन करने के लिए जल्दी से चार्जेस दे के डायरेक्ट जा सकते हो। तो भाई ऐसा है कि अभी तो डेढ़ किलोमीटर पैदल चल के अभी तो मंदिर के मेन गेट पे ही आया हूँ एंट्री करने के लिए, और अभी से यहाँ से एंट्री होगी तो फिर लंबा दूरी तक चलते हुए जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए भगवान की। मतलब अच्छा खासा दूरी चलते रहना पड़ेगा पैदल, लाइन में लग के जाना पड़ेगा इसी क्या बोलते हैं बैरिकेडिंग के थ्रू। इधर से लाइन ये देख सकते हो, लाइन यहाँ से ऐसे आप मंदिर के मेन गेट के थ्रू जा सकते हो इधर से। तो यहाँ पे इस टाइप की इलेक्ट्रिक टैक्सी भी चलती है जिससे आप घूम सकते हो। पूछते कहाँ तक ये टैक्सी कहाँ तक जाती है भैया? पार्किंग तक। पार्किंग तक बस, जहाँ पे गाड़ी लगती है। और ये गवर्नमेंट के थ्रू है या ऐसे? चार्जेस क्या रहता? ये फ्री में सीनियर सिटीजन। फ्री में? ओह सिर्फ सीनियर सिटीजन के साथ अटेंडेंट के हिसाब से एक या दो ले जाएंगे। उनके साथ एक या दो लोगों को ले जाएंगे। चलिए ठीक है, सीनियर सिटीजन है तो जाएंगे। ठीक है फ्री सर्विस है टैक्सी की जो सीनियर सिटीजन के लिए है, वो इस इलेक्ट्रिक टैक्सी पे बैठ के और पार्किंग तक जा सकते हैं जिनको चलने में दिक्कत हो। तो ये अच्छा एक पहल है। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं अपना चप्पल जमा करने के लिए, क्योंकि चप्पल जूता ट्रेन के अंदर जा तो सकते नहीं है, तो उसका उपाय लगाते हैं कहाँ पे रख सकते हैं। इधर जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस है और इधर किसी चीज़ का भीड़ लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का लाइन लगाया गया है। ये पीछे में जो रास्ता दिख रहा है बड़ा सा रोड, इसी पे रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की। और अभी हम लोग जा रहे हैं पता करने की कैसे अंदर जाते प्रवेश करते हैं मंदिर में, क्योंकि यहाँ तो दो दो जगह तीन तीन जगह लाइन लगाया गया है और किधर से कैसे जाना है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी यहाँ पर लोकल सिक्योरिटी या पुलिस से पता करते हैं पहले। तो अभी इलेक्ट्रिक टैक्सी वाले भैया से पता किया तो वो बोल रहे हैं कि अभी लाइन यहाँ पे खुला है तब तक जा सकते हैं, अगर लाइन बंद हो जाती है यहाँ पे तो वहाँ से ही लाइन लगना पड़ता है। और चप्पल जूता आसपास में ही इधर किसी बिल्डिंग में रखा था, पहले चलते हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो भाई जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस के पास में भी जूते और चप्पल रखने का जगह दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। और आप मंदिर में घूमने के लिए उस ऑफिस के पास से ही लाइन लग सकते हैं। लेकिन जब मैंने लाइन को देखा तो मैं देखा कि बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे लगा कि यहाँ पे अभी 3 से 4 घंटा तो ज़रूर लगने वाला है घूमने के लिए। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन इतने आसान नहीं लग रहे हैं, बहुत भीड़ से होके गुजरना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे देखने को खास मिली है कि हर एक घर का कलर सेम ही कर दिया गया है, जो पुराने ज़माने में उस ज़माने के टाइम में जिस तरह एक कलर का पूरा घर रहता हो, पीला कलर या जो भी इस कलर को बोल सकते हैं गेरुआ कलर, तो उसी रंग का सारे घर का रंग है। और उस पर बोर्ड भी जो लगा है वो भी सारा देख सकते हो एकदम सेम टू सेम है सारे घर में। और यहाँ तक लाइन है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो अंदर तो मोबाइल और कैमरा वगैरह नहीं लेके जा सकते, तो जमा कर दे रहा हूँ यहीं पे। तो दोस्तों यहाँ मैं अपने जूते चप्पल और कैमरा को जमा कर देता हूँ और चलते हैं अंदर मंदिर में, घूमते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति भी विराजमान है। इस मंदिर को हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण 4 धामों में से एक गिना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण जी का हृदय आज भी धड़कता है और यहाँ मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इस मंदिर के कुछ खास और अद्भुत बात यह है कि जब आप मंदिर के नरसिंह द्वार के बाहर खड़े रहते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों का आवाज़ बिल्कुल खत्म हो जाता है और मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता रहता है,
इस मंदिर का ऊंचाई लगभग 264 फीट है, लेकिन इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी नहीं बनती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बहुत ही भव्य और विशाल रथ यात्रा निकाला जाता है, जो हिंदी महीने के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और अंग्रेजी महीने के अनुसार लगभग जून या जुलाई में निकाला जाता है। और भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो ये थी कुछ अद्भुत जानकारियाँ इस मंदिर के बारे में। तो 3 बज चुका है और अभी हम लोग निकले हैं भाई मंदिर से, और यहाँ पे सूर्य वगैरह अपना लेके, और अब हम लोग कोणार्क जाएंगे घूमने, कोणार्क मंदिर। अंदर काफ़ी मज़ा आया, नागपुर में ले लेता ही काफ़ी चेंज हो गया है। मैं एक बार इससे पहले आया था 2017 या 18 के टाइम में, तो उस टाइम में और अभी में बहुत फ़र्क हो चुका है। अंदर बहुत तरह की नई सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें कर दी गई है। तो दोस्तों अंदर मंदिर में लाइन लग के बहुत लंबा जाना पड़ता है, यहाँ से ही समझिए तो आधा किलोमीटर से ऊपर का लाइन लगना पड़ता है, और उसके बाद हर एक 10 मिनट पे ये आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, फिर आगे बढ़ने के बाद फिर रोक दिया जाता है। वैसे करते करते 1 घंटे तक कम से कम आपको जाना पड़ता है मंदिर में। तो दोस्तों श्रद्धालुओं को कतार में खड़ा रहते वक्त कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्टेट टाइप का पूरा बना दिया गया है और उसमें एसी की भी सुविधा लगा दी गई है। उत्कर्ष बेचारा सबसे पीछे है। तो अभी हम लोग फोटो लेके निकल चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल से, और अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क मंदिर। तो हम लोग अभी मंदिर में थे, तो अंदर मंदिर में अंदर में दाल भात और सब्जी के रूप में मिलता है महाप्रसाद, और उसका चार्ज भी लिया है हमने 100 रुपया पर हेड लिया, पर पर्सन बोल सकते हैं। कुछ अलग नया खाने को मिला, मंदिर में घूम के भी बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग ये बस स्टैंड पे आ गए और यहाँ से कोणार्क की बस लेंगे और कोणार्क जाएंगे। टाइम लगभग 3 बज चुका है, कोणार्क जाते जाते लगता है 4 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोणार्क मंदिर 30 किलोमीटर दूर है लगभग। तो चलते हैं बस लेके पहले कोणार्क मंदिर घूमते हैं। तो ये बस स्टैंड पे आ गए हैं, यहाँ पे सारा बस वगैरह लगा हुआ है चारों तरफ, और इस साइड में कुछ स्टॉल्स वगैरह है खाने पीने का। तो बस देखते हैं कौन सी बस जाती है, उस पर बात करते हैं और चढ़ते हैं। तो अभी बस स्टैंड में कोणार्क की बस घूम भी जा रही है। तो गाइस अभी हम सब पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पर, तो अभी चलते हैं बस में। आ गए कोणार्क वाले बस में, और यहाँ पे भाड़ा 50 रुपया लग रहा है यहाँ से कोणार्क जाने का, और भाई कोणार्क जाने में लगभग 1 घंटा लगेगा समय। तो चलते हैं बस में बैठते हैं। तो हम लोग आगे बैठ चुके हैं ताकि वीडियो बनाने में बने, बस अभी भरा नहीं है इसलिए अभी खुल नहीं रहा है, तो भरने का इंतज़ार करते हैं बस का। तो दोस्तों हम लोग बस पकड़ के सूर्य मंदिर की तरफ निकल जाते हैं, और रास्ते में बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि रास्ता जब खूबसूरत होता है तो मंजिल और भी खूबसूरत हो जाती है, और जब बस समुद्र के किनारे किनारे जा रहा होता है तो नज़ारा देखते ही बनता है। तो ये बस सामने हम लोग को अभी ड्रॉप करी है यहाँ पे, और हम लोग कोणार्क सन टेम्पल के लिए यहाँ पे उतर चुके हैं। मोड़ पे साइड में इधर नारियल पानी बिक रहा है, तो हम लोग नारियल पानी पीने के लिए रुके हैं। ये लोकल नारियल है या फिर अलग से? सब लोकल नारियल है यहाँ पे, ये सब लोकल नारियल है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे पानी पूरी खाते हैं, यहाँ का टेस्ट करते हैं किस तरह का पानी पूरी है। उस साइड से 10 में कितना खिलाते हो? 10 का 5। ये पानी किस किस चीज़ का बनाते हो डाल के? अंबिल का खुदना पत्थर अंबल सौदा। टेस्ट तो अच्छा था, सेम एज लाइक बिहार। ये लिए चलो पानी पूरी खा लिया, अब चलते हैं सन टेम्पल की ओर। सामने कुछ शॉप वगैरह है। दोनों तरफ हैंडीक्राफ्ट्स और चश्मा वगैरह बिक रहा है। तो सामने नवग्रह टेम्पल आ चुके हैं, और ये सामने नवग्रह टेम्पल है,
तो अभी तो जाना हम लोग को कोणार्क सन टेम्पल है, तो अभी पहले चलकर सन टेम्पल घूम लेते हैं, उसके बाद नवग्रह टेम्पल पे जाएंगे। काजू कोस्टलाइन एरिया में होता है तो काजू भी बहुत सारा इधर है, और यहाँ का लोकल प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर। इसमें हम लोग सन टेम्पल पहुँच चुके हैं, और ये जस्ट सामने हम लोग का सन टेम्पल है, अपोजिट सनलाइट तो आ रहा है सामने से ही, तो दिख भी नहीं रहा और बढ़िया से। चलते नज़दीक से देखते हैं सन टेम्पल को। तो सन टेम्पल में टिकट लगता है देखने घूमने जाने का, तो चलते अभी टिकट काउंटर पे। सामने में टिकट काउंटर है इधर, चलते पहले टिकट ले लेते हैं। तो ये सामने टिकट काउंटर है और 40 रुपये का टिकट लगता है कोणार्क का, और इस साइड में अपना प्यारा सा तिरंगा लहरा रहा है, और हमें अभी इधर से जाना पड़ेगा सन टेम्पल के पास। यहाँ से 200 मीटर होगा लगभग टिकट काउंटर से। जैसे ही आप रोड से गेट से इंटर करोगे लेफ्ट साइड में इधर टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको फिर वापस उसी रोड से सीधा आपको जाना पड़ेगा लगभग 200 मीटर कोणार्क टेम्पल के लिए। तो चलते हैं, मैं तो अपना टिकट ले लिया हूँ बाहर से, ये मैं बाहर लिया हूँ, एक आदमी ने ज़्यादा टिकट ले लिया था उसी से। तो यहाँ पे सन टेम्पल के बारे में बताने के लिए गाइड लोग भी रहते हैं आसपास में, तो अगर आप चाहे तो गाइड को पैसे देकर जानकारियाँ ले सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह ही अकेले घूम कर जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, नाम से ही पता लग रहा है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर पुरी से 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। सूर्य मंदिर एक महान रथ के रूप में बना है, जिसको 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है। और इस मंदिर का सबसे अनोखा बात यह है कि इस मंदिर में लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही अनुमान लगा सकते हैं, यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करता है। यह मंदिर भारत के सबसे बढ़िया कलाकृतियों में से एक है। एकदम आश्चर्यचकित करने वाला यह मंदिर के एक एक इंच की सुंदरता अद्वितीय है। इस मंदिर पर भगवान देवताओं संगीतकारों नृत्यकारों युद्ध के चित्रों से भरा पड़ा है। यह मंदिर काम मुद्रा वाले शिल्पाकृतियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में ही घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, मैंने जो भी ड्रोन फुटेज इस वीडियो में डाला है, ये कॉस्मोसोनिक स्टूडियो से लिया गया है। बाकी उस फुटेज को एडिट वगैरह मैंने खुद ही किया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस, अभी कोणार्क मंदिर घूम के निकल चुके हैं, घूम तो लिए अच्छे से, तो अभी देखते ही देखते शाम हो गई है पूरी, निकलते हैं यहाँ से बस पकड़ के। यहाँ से डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, 30 किलोमीटर के लगभग, तो टाइम रहता है, अभी निकल लेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुँच भी जाएंगे पूरी। ये कितने का है ये वाला? हाँ, 250। क्या चीज़ का रहता है ये? क्या चीज़ का रहता है? पत्थर का और कुछ देर एंजॉय भी करते हैं। ये रात का सीन है बीच का, कुछ तो दिख नहीं रहा है, ना मैं ही दिख रहा हूँ, बट बीच पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं रात की 11 बजे में। बीच पे रेस लगाते हुए दौड़ रहे हैं मैं और उत्कर्ष, देखते हैं कौन आगे निकलता है, और मैं आगे 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 फर्स्ट हो गया मैं। तो बीच से दौड़ते दौड़ते हम लोग मेन रोड पे आ गए। तो अभी घूम घाम के हम लोग रात में भी और जा रहे हैं रूम पे, तो मिलते हैं गाइस रूम पे। कल 22 तारीख को यहाँ से निकलना भी है। तो हेलो गाइस, अभी हम सब घर पहुँच चुके हैं, गोलू मामा मेरे से पहले पहुँच चुके हैं, तो अभी आइए अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, और हमने डिनर भी कर लिया है रात का। ये गोलू मामा तो बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।